मुझे इस बात की बहुत खुशी है प्रधानमंत्री जी, शायद आप अकेले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे कि जिन्होंने जिन जिन योजनाओं का भूमि पूजन किया उन उन योजनाओं के उद्घाटन को भी आप ही उपस्थित है। आज ये जो मेट्रो का उद्घाटन हो रहा है 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर मेट्रो 7 मेट्रो 2 है, इसका भूमि पूजन भी आपने किया था और उद्घाटन भी आप कर रहे हैं। ये नया कल्चर इस भारत में और महाराष्ट्र में आपके कारण आया है, मैं इसलिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। सबसे महत्व की बात, आज मुंबई करता एसटीपी मुंबई सारखं इतकं महत्वाचं शहर, या शहरामध्ये रोज हजारो हजारो नाही करोडो करोडो लिटर पाणी ट्रीट न करता, कुठली प्रक्रिया न करता आम्ही समुद्रात सोडत होतो। हा समुद्राचा वास, समुद्राची घाण ही त्याच्यामुळे होती। 20-20, 25-25 वर्ष मुंबई महानगरपालिकेवर ज्यांनी राज्य केलं त्यांनी केवळ डिपॉझिट, फिक्स डिपॉझिट केले, स्वतःची घरं भरली, पण मुंबईकरांना त्या ठिकाणी शुद्ध पाणी देण्याचा कधी प्रयत्न केला नाही। पण या ठिकाणी मी ज्यावेळेस मुख्यमंत्री होतो त्यावेळेस महानगरपालिकेला सांगितलं हे पाणी असं सोडता येणार नाही, तुम्हाला एसटीपी तयार करावे लागतील। महानगरपालिकेने सांगितलं एसटीपी तर आम्ही तयार करू, पण एसटीपी कुठल्या नॉर्म्सनी तयार करायचे हेच आम्हाला माहिती नाही। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के पास गया और मैंने निवेदन किया कि समुन्द्र में अगर डिस्चार्ज करना है तो कौन से लेवल का पानी चाहिए, इसके डिस्चार्ज नॉर्म तैयार करने पड़ेंगे, और एक साल के भीतर भीतर मोदी जी की सरकार ने डिस्चार्ज नॉर्म तैयार करके मुंबई महानगर पालिका को दिए कि अब देखिए ये सारे नॉर्म्स तैयार है, अब गंदा पानी मत छोड़िए। लेकिन साहब उसके बाद भी 3 साल तक मुंबई महानगर पालिका ये काम इसलिए नहीं कर पाई, करने वाले नहीं थे ऐसा नहीं था, करने वाले थे लेकिन इनका उनसे जम नहीं रहा था। काय जमत नव्हतं माहिती आहे ना, हाँ वो जम नहीं रहा था और इसलिए हिस्सेदारी नहीं मिली, इसलिए उसको नहीं किया गया। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमारे शिंदे जी के नेतृत्व में हमने उसको गति दी और गति के साथ उसको पूरा करने का काम अभी हो रहा है। आज उसका शिलान्यास माननीय मोदी जी के हाथों से हो रहा है और ये केवल और केवल मोदी जी आपकी सरकार के कारण संभव हुआ है, इसलिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ साथ 6000 करोड़ के रास्ते, किसी ने प्रश्न पूछा कंक्रीट के रोड क्यों बनाते हो, वो इसलिए बना रहे कि 4 साल पहले जब हमने मुंबई के रास्तों का परीक्षण किया था तो ध्यान में आया कि इन रास्तों में नीचे की लेयर ही गायब है, इस प्रकार का भ्रष्टाचार, हर साल वही रास्ते। अब हमने तय किया नहीं, ऐसे रास्ते बनाएंगे, 40 साल एक गड्ढा भी उस रास्ते पर नहीं पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया, उसका भी शिलान्यास आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, 3 हॉस्पिटल का शिलान्यास कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, मुंबई की पहचान क्या है, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज हमारा जो स्टेशन है, मध्य रेलवे का जो स्टेशन है वो मुंबई की पहचान है। और मुंबई की इस पहचान को पुनर्परिभाषित करने के लिए उसके विकास का आपने कार्यक्रम हाथ में लिया और एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही आइकॉनिक इस प्रकार का सीएसटी रेलवे स्टेशन फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में हमको मिल रहा है और उसका भी भूमि पूजन आज हो रहा है, मैं उसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपको इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं, मुंबई की जनता आपको सुनना चाहती है, आपका आशीर्वाद चाहती है, आपके आशीर्वाद से हमने धारावी का भी टेंडर मंजूर कर लिया है, 1 लाख लोगों को, घरों को पुनर्वसित करने का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और केवल आपने रेलवे की लैंड दी इसलिए ये कार्यक्रम हम कर पा रहे हैं, जल्दी ही उसके भी भूमि पूजन के लिए आपको हम बुलाएंगे और प्रधानमंत्री जी उसमें आपका बहुत आशीर्वाद हमको लगेगा, उसके लिए भी आपको हम निमंत्रित करेंगे। मैं इससे ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मुंबई की जनता की ओर से
महाराष्ट्र की सरकार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सब्सक्राइब टू मिडडे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।